नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के पूजन के बारे में। दोस्तों, तुलसी का पौधा जहां औषधीय गुण रखता है, वहीं तुलसी के पौधे में दिव्य शक्ति भी होती है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, इसलिए तुलसी पूजन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है तुलसी पूजन के लिए जरूरी नियम और वास्तु टिप्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर एक, तुलसी का पौधा घर में मौजूद दरिद्रता और नकारात्मक दोष को समाप्त करता है और साथ ही घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। नंबर दो, संध्या के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक के नीचे आसन रखकर अर्पण करें। नंबर तीन, पौराणिक मान्यता है कि बगैर आसन लगाए दीपक जलाने से वह लक्ष्मी जी ग्रहण नहीं करती हैं, तो ऐसे में आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। नंबर चार, आप चावलों का आसन बनाकर उस पर दीपक जला सकते हैं, इससे घर में लक्ष्मी का स्थिर तौर पर निवास होता है। नंबर पाँच, हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि तुलसी के पौधे के नीचे चावल का आसन बिछाकर घी का दीपक जलाने वाले व्यक्ति को जरूर धन लाभ होता है। नंबर छह, दीपक के नीचे चावलों का आसन बिछाने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता और शुभ फल प्राप्त होता है। नंबर सात, सनातन धर्म में माना गया है कि चावल एक प्रकार से शुद्धता के प्रतीक होते हैं और प्रत्येक मांगलिक कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। नंबर आठ, भगवान विष्णु को भोग अर्पण करते समय उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाने से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। नंबर नौ, नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से आपको इसका लाभ मिलेगा। आप जल में चीनी डालकर भी तुलसी जी को अर्पण कर सकते हैं। नंबर दस, रविवार के दिन तुलसी पूजन नहीं किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में ना तो जल चढ़ाएं और ना ही दीपक जलाएं और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।